हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। दिवंगत कलिया देवी को बौद्ध रीति से दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। गोरा और वैशाली से राजू कुमार के साथ राहुल कुमार की रिपोर्ट। वैशाली गोरौल प्रखंड क्षेत्र के सोंदी मुबारक ग्राम में दिवंगत कलिया देवी की बौद्ध रीति से भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बाह्य आडंबर से दूर सादे समारोह में अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए कलिया देवी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले, संत शिरोमणि संत रविदास, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दिवंगत कलिया देवी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि समारोह राजा कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। वही समारोह में राजा कुमार, अनिल राम, सुखदेव राम, राजेश कुमार, विपिन सहित अन्य बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। लोगों के साथ दिए थे, फूल चढ़ा कर सब लोग अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए और सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। बोलिए अवकाश अहं भन्ते अनुगहन वेतंग में भन्ते अवकाश अहं भन्ते पंचशीलं धम्मं यचामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं ते बुद्धं शरणं गच्छामि। अग्नि भी नहीं कहती है कि हमको बड़े लोग नहीं जलाएंगे, छोटे लोग के घर में मैं नहीं जलूंगा। तो अग्नि के समान जिसमें गुण हो, तीसरा अक्षर वायु, हवा बहती है तो सबके शरीर में बराबर भाव से लगती है, हवा भी ऊंच नीच का विचार नहीं करती है, इसलिए हवा के समान जिसमें गुण होना चाहिए। अंतिम अक्षर न आया है नीर यानी पानी, पानी को कोई जात कहीं भी पी लेता है, पानी भी ऊंच नीच का विचार नहीं करता है, यानी इष्टाचार तत्व के समान जिसमें गुण हो उसको भगवान कहा गया है। तो चार तत्व का गुण महामानव गौतम बुद्ध में ही पाया गया है। शिक्षा पदं समाजामी सूरा मेरय मज पमादठाना बेरमणि शिक्षा पदं समाजामी त्रिशणेन संधि पंचशीलं साधुकं सुरक्षितं अप्रमादेन संपादयित्वा। आप लोग कहिए आम भक्ते साधु। बोलिए बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि द्वितीयं ते बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।